डॉक्यूमेंट्रीज़ डियर स्टूडेंट मुझे इस मॉड्यूल में आपसे डॉक्यूमेंट्रीज़ के बारे में बात करनी है कि किस तरह हम डॉक्यूमेंट्रीज़ क्या होती हैं उनको हम लैंग्वेज में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं सो डॉक्यूमेंट्रीज़ आर नॉन फिक्शनल फिल्म दैट प्रजेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ये नॉन फिक्शनल यानी गैर अफसानवी मवाद या वो फिल्मस होती हैं जिनको हम जिसमें जो रियल सिचुएशन या रियल इंफॉर्मेशन प्रजेंट की जाती है मुख्तफ मौजुआत पर और मुख्तफ आपने देखा होगा कि मुख्तफ़ चैनल्स चान, पर भी डॉक्यूमेंट्रीज़ दिखाई जाती हैं ख़ास मौजूद पर और चूँकि हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से बात करनी है तो इसलिए हम उन्हीं पर फोकस करेंगे तो इसकी दे कैन भी एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव एंटरटेनिंग एंड और ऑफ़न यूज एज़ अ टीचिंग टूल टीचिंग टूल के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं टू प्रमोट द लैंग्वेज डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट्रीज कैन बी फाउंड ऑन वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो मुखलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ये पा, पाई जाती हैं जैसे यूट्यूब है यूट्यूब एक बहुत बड़ा ज़खीरा है आप हर तरह की एजुकेशनल वीडियोस और उसमें आप वीडियो क्लिप्स उसमें या डॉक्यूमेंट्रीज भी आप उसमें देख सकते हैं नैटफ्लिक्स है वीमो और स्ट्रीमिंग डॉक्यूमेंट्री वेबसाइट्स एंड आर्काइव्स और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स एंड रिसोर्स तो ये डिफरेंट रिसोर्स हैं जहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्रीज़ मिल सकती हैं जिनको आप एजुकेशनल पर्पस के लिए या लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्रीज करंट इवेंट एंड न्यूज़ डॉक्यूमेंट्रीज हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज़ बायोग्राफिकल डॉक्यूमेंट्रीज कोई लैंग्वेज के हवाले से कुछ शख्सियात हैं जो उसके लिए उन पर डॉक्यूमेंट्रीज बनी हूँ फिर नेचर एंड साइंस डॉक्यूमेंट्रीज साइंस और नेचर पर भी आपको डॉक्यूमेंट्रीज मिल सकती बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डॉक्यूमेंट्रीज इन लैंग्वेज लर्निंग इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं एथेंटिसिटी ऑफ लैंग्वेज लैंग्वेज में अथेंटिसिटी पैदा करने के लिए भी आप डॉक्यूमेंट्रीज़ को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं उनमें ऑलरेडी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो रियलिटी पर बेस करती है एक्सपोजर टू डाइवर्स एक्सेंट एंड डायलैक्ट्स उसमें डायवर्स एक्सेंट्स और डायलैक्ट्स पर ये स्टूडेंट सीखते हैं बच्चे सीखते हैं उन पर और ये डॉक्यूमेंट्रीज में आपको मिल सकते हैं कल्चरल नॉलेज एंड अवेयरनेस तो कल्चरल नॉलेज और अवेयरनेस भी आपको डॉक्यूमेंट्रीज पर मिल सकता है एंगेजिंग एंड एंटरटेनिंग डॉक्यूमेंट्रीज़ uh, आपको इंटरेक्टिव या एंगेज करने वाली और एंटरटेन करने वाली भी हो सकती हैं डॉक्यूमेंट्रीज कैन प्रोवाइड लर्नर्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू डिवेल्प देयर लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स एंड कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स कुछ और बेनिफिट्स हैं इसके एज वेल एज एक्सपेंड देयर वैकेबलरी एंड नॉलेज ये बच्चों की नॉलेज और उनकी वैकेबलरी को एक्सपेंड करती है मुख्तलिफ टॉपिक्स पर और ये स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डिस्कशन एंड डिबेट्स के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है और इंस्पायर लर्नर्स टू कंडक्ट फर्दर रिसर्च ऑन सब्जेक्ट मैटर तो ये बच्चों को अगर आप ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज उनको दिखाएं जिसमें रिसर्च की हो हों तो वो बच्चों को आप इंस्पायर कर सकते हैं और उनको मोटिवेट कर सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्रीज कैन बी टू शूट द लैंग्वेज लेवल एंड नीड्स ऑफ लर्नर तो स्टूडेंट्स की जो बच्चों की जो नीड्स हैं उनके मुताबिक आप उनको अडेप्ट कर सकते हैं उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसे भी दे कैन बी कम्बाइंड बाई स्यूटेबल ट्रांसक्रिप्ट टू एड लर्नर्स कॉम्प्रीहेंशन इनको मुख्तफ़ ट्रांसक्रिप्ट या मुख्तफ मवाद के साथ आप उसको जोड़ के आप पढ़ा सकते हैं यानी आप जब आप टेक्स कुछ पढ़ा रहे हो तो वहाँ आप डॉक्यूमेंट्रीज भी पढ़ा सकते हैं दिखा सकते हैं बच्चों को और एंड कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ लैंग्वेज टास्क एंड एक्टिविटीज तो लैंग्वेज की जो सरगर्मियाँ हैं लैंग्वेज के टास्क के तौर पर भी इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें हम क्या करना होता है जैसे आप ये असाइनमेंट भी दे सकते हैं उनको बच्चों को नोट टेकिंग समराइजिंग एंड राइटिंग यानी उस डॉक्यूमेंट्री का खुलासा लिखना या नोट लेना या कुछ इस तरह की चीज़ें आप एक्टिविटीज़ के तौर पर बच्चों को दे सकते हैं स्ट्रेटीज़ फ़ॉर यूजिंग डॉक्यूमेंट्रीज़ इन लैंग्वेज लर्निंग कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से uh, हम डॉक्यूमेंट्रीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं नंबर वन इसमें फेजिज़ हैं प्रीव्यूइंगटिवटीज़ uh, देखने से पहले की एक्टिवटीज़ इसमें डेफिनेटली टीचर बच्चों को तैयार करेगा और उनको कुछ सवाल बिताएगा डॉक्यूमेंट्री का कुछ इंट्रोडक्शन कराएगा और उनको बताएगा कि आपने किस चीज़ की ऑब्जर्वेशन करनी है ड्यूरिंग व्यूइंग एक्टिविटीज़ जब आप एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं तो उस वक्त क्या करना है आपने नोट टेक करना नोट लेने हैं या ऑब्जर्वेशन करनी है या कुछ और और पोस्ट व्यूइंग एक्टिविटीज़ तो डॉक्यूमेंट्रीज़ को देखने के बाद आपने क्या करना है क्या सरगर्मियाँ इन सब का डिसीजन टीचर करता है क्लास में और इंटरेक्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज इन टू लेसन प्लान्स और लेसन प्लान्स के अंदर इंटरेक्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज़ को शामिल किया जाना तो ये थी डॉक्यूमेंट्रीज़ का यूज़ जो अब लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से टीचर यूज़ कर सकता है डॉक्यूमेंट्रीज़ को और मैं समझता हूँ कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एक जद तरीन सोर्स है बच्चों को लैंग्वेज डेवलप करने के लिए